नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो सरोकार रखती हैं देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं से। तो चलिए रुक करते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ और जानते हैं क्या खास है आज की पेशकश में। देखेंगे आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स, जानेंगे एक नए करियर ऑप्शन के बारे में, देखेंगे देश के विकास में किस तरह अपना योगदान दे रही है आधी आबादी, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं कि किस तरह देश के विकास का हिस्सा बन रही है देश की आधी आबादी। शिक्षा का तात्पर्य लोगों में आत्मसात करने, ग्रहण करने व रचनात्मक कार्य करने की क्षमता का विकास करना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा कहे ये शब्द आज भी अमर है। शिक्षा की इसी महत्वता के लिए शिक्षक दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया गुरु वंदना, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही इन छात्राओं ने अपने गुरुओं का आभार प्रकट किया, साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। आज हमारा थीम था गुरु वंदना, जो कि गुरु शिष्य परंपरा को के ऊपर पूरा उसके अकॉर्डिंग है, जो हमें बताता है कि कैसे हमारे गुरुओं के साथ रिश्ता बनाया जाता है। आज एक प्ले भी हुआ था जिसमें हमें बताया गया था कि जो गुरु हमें बताते हैं वो हमारे भले के लिए होता है, अच्छाई के लिए होता है। गुरु के बिना आज की डेट में शिष्य कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमें सही दिशा नहीं दिखाई जाएगी हम अपना रोल नहीं निभा पाएंगे आगे जाकर। हमें वो प्रेरणा मिलती है, वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन दैट यू कैन से। बेसिकली बच्चों को एक मैसेज मिलता है कि जो गुरु शिष्य का परंपरा है उसको हम लोग ने बाकायदा बना के रखा है। इसके तो बच्चों को मैसेज मिलता है कि जो गुरु उनको शिक्षा दे रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। प्रोग्राम में शिक्षा और कॉरपोरेट से जुड़े कई लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। इसके अलावा बच्चों ने भी कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए प्रोग्राम में आए लोगों का मन मोह लिया, साथ ही कई एक्टिविटीज के जरिए गुरु की रिस्पेक्ट करने का भी संदेश दिया। जो गुरु शिष्य परंपरा रही है हमारे देश की, ये गुरु शिष्य परंपरा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि आज के जो युवा पीढ़ी है ये गुरु शिष्य परंपरा भूल गई है, या फिर आज के टीचर्स जो है वैसे नहीं रहे। लेकिन आप देखेंगे तो आपको हर टीचर में एक गुरु दिखेगा, हर स्टूडेंट में एक शिष्य दिखेगा। यहाँ एक गुरु शिष्य परंपरा हमने बरकरार रखी है। यदि आप उनको सही चीज़ों में ढाल दें, उनको सही ट्रेनिंग दे दें, उनको वैसा माहौल दे दें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गुरु शिष्य परंपरा में कोई बाधा आएगी। और जरूरी है कि हम वैसा माहौल बनाएं। और टीचर मस्ट लीड बाय एन एग्जाम्पल। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है एवरेज टीचर डेमोंस्ट्रेट्स एंड अ ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। तो हमें टीचर्स को हमारी ऑनेस्टी, हमारी इंटीग्रिटी, हमारा कैरेक्टर बरकरार रखे। उन्होंने यही बताया कि मेहनत करनी चाहिए आगे जाके और जो भी टीचर्स बोलते हैं उनका सुनना चाहिए। ये कल्चर इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो भी दिखाएं कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। ये जो परंपरा है ये बहुत अच्छी परंपरा है। हमारा जो हिंदुस्तान है वो वी आर नोन फॉर आवर वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, एंड ये एक रिकग्नाइजेशन है जो हम वैल्यूज़ करते हैं। मैं संसार के सभी देशों में ट्रेवल कर चुका हूँ और फख्र से कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये परंपरा आगे इसको बढ़ाते रहें और ये एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है। आज स्टडी के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ इन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अहम हो जाती है, जहां इन्हें कई बातें जानने को मिलती है, साथ ही स्टेट परफॉर्मेंस के जरिए अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिलता है, जो इनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। पढ़ाई के साथ साथ ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट होती हैं। ऑडियंस बहुत सपोर्टिंग थी तो उससे और ज़्यादा मज़ा आया परफॉर्म करने में। ऐसे बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का और अपने टैलेंट को दिखाने का। हिंदुस्तान की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस टाइप के जो फंक्शंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर देखिए तो विश्व के अंदर में आज बहुत उथल पुथल हुई है, रिसेशन इतना बड़ा आया, बट आज हिंदुस्तान में ये सब कुछ अगर हम झेल पाएँ वो इसीलिए है कि हिंदुस्तान की एक परंपरा है और हिंदुस्तान का जो एक सिस्टम है उस सिस्टम को चलाते हुए और इन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस बड़े झटके को भी झेल पाए हैं।
कॉन्फिडेंस हम में जितना भी है वो सब हम स्टेज पे आगे गेन कर पाते हैं, हमें अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स को पहले से कॉर्पोरेट्स के लिए प्रिपेयर करें, तो ये एक जो प्लेटफॉर्म दी है कि एक अपॉर्चुनिटी जो प्रोफेशनल्स को बुला के देन दे द स्टूडेंट्स आर मेड टू लिसन टू द प्रोफेशनल्स इज़ वेरी गुड। मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये अगर आप पीछे अगर 15 साल पहले देखें तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी उतनी। जब मैं अपने जब अपने डेज में जब वापस जाता हूँ तो आई ऑल्सो रिपेंट कि नहीं, मेरे समय भी अगर ये बहुत होता तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होता है। हमने भंगड़ा परफॉर्म किया था और काफ़ी अच्छा रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो अच्छा था और ऑडियंस ने काफ़ी सपोर्ट किया। सदियों से हमारे देश में शिष्य द्वारा गुरु को सम्मानित करने की प्रवृत्ति रही है, लेकिन मॉडर्नाइज होते इस दौर में ये संस्कार कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आगे बढ़ने के साथ साथ हम अपने संस्कारों को भी लेकर चलें। ऐसे में इन छात्राओं द्वारा ऑर्गेनाइज ये प्रोग्राम इन्हें मोटिवेट करने के साथ साथ आने वाले समय में इनके फ्यूचर को भी नई दिशा देगा।